अमेजोन पे स्टार्ट किया सर, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई जब आप अकाउंट रजिस्टर करने गए, लिस्टिंग स्टार्ट करने गए, तो कुछ प्रॉब्लम आई सर आपको? आप जियो मार्ट पे भी आ गए हैं, जियो मार्ट पे आपको कुछ लगा कि ये अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो से अलग है या अच्छा है? जियो मार्ट पे सर आपका क्या फीडबैक है? सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेव सेलर सीरीज। हम यहाँ पे आज एक और ब्रेव सेलर्स का वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पे हम एक और सेलर से बात करने जाने हैं और उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने ऑनलाइन जर्नी कैसे स्टार्ट किया, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो आइए उनसे उन्हीं के बारे में पूछते हैं। तो सर सबसे पहले तो वेलकम सर बिग फैक्शन के, और अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहला सर सवाल आपसे ही सर, आप ऑडियंस को बताएं कि सर आपका नाम क्या है सर और आपका स्टोर नेम क्या है सर? सर मेरा नाम रमेश कुमावत है यस सर। और स्टोर नेम श्री गणेश सेल्स है। ओके, तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे इसी पे है कि आपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कैसे जाना सर, कब जाना आपने कि ऑनलाइन बिजनेस भी होता है और लोग अच्छा कर रहे हैं? आप, मैं देख रहा हूँ आपका एक ऑफलाइन सेटअप भी, आपके पास पीछे प्रोडक्ट्स भी है, शोरूम पे आप बैठे हैं सर, तो आपको ऑनलाइन के बारे में जानकारी कैसे लगा? एक्चुअली जो नजदीक में नियर बाय कस्टमर लोग रहते हैं वो मंगाते हैं, जी इससे थोड़ा मुझे आइडिया, और वापिस बहुत लोगों ने अभी ज्यादा ऑनलाइन चल रहा है, इसके लिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन करूँ। तो आप जब आसपास की जागरूकता आपने देखा तो आपको आइडिया लगा कि अच्छा जब लोग मंगा सकते हैं, मेरे ही आसपास के लोग मंगा सकते हैं, तो हम बेच क्यों नहीं सकते हैं? सर किस साल में आपने, कितना साल हुए आपको एक ऑनलाइन सर बने में, कब से आपने स्टार्ट किया सर? सर अभी फिलहाल तो 6 महीना हुआ। 6 महीना हो गया। अच्छा, तो किस किस पोर्टल पे सर अभी आप बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो। ओके, जियो मार्ट है ना सर? हाँ सर। ये सारे पोर्टल्स पे जब आपने वर्क किया, एक साथ काम शुरू किया था सर आपने ऑनलाइन की, अलग अलग आपने स्टार्ट किया? अलग अलग। अच्छा, तो पहला सर अमेज़न ही था? हाँ सर। अच्छा, तो एक सवाल इस पे आने वाला है कि जैसे कि आपने जब अमेज़न पे स्टार्ट किया सर, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई जब आप अकाउंट रजिस्टर करने गए, लिस्टिंग स्टार्ट करने गए, तो कुछ प्रॉब्लम आई सर आपको? नहीं सर, आपने सब अच्छे से कर दिया। ओके सर, जैसे कि एक और इस पे सवाल है, कैटेगरी सर आपकी कौन सी, ऑडियंस को बताइए कि आप किस कैटेगरी में डील करते हैं, कब से इस कैटेगरी में हैं, ताकि उनको भी नॉलेज लगे, और आपके पास इस कैटेगरी के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स कितने सारे हैं, तो वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। सर होम एंड किचन आइटम है मेरे पास जी, और प्रोडक्ट तो ऐसे बहुत सारे है, लेकिन एक्चुअली कोई कोई कंपनियों के टर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से मैं नहीं बेच पा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बिजनेस कब से कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस आप? ऑफलाइन बिजनेस तो सर मुझे 8 से 9 साल हो गया। 8 से 9 साल हो गया, इसी कैटेगरी में कर रहे हैं सर? हाँ सर। अच्छा, तो ये बिजनेस आपने नया स्टार्ट किया था सर, कि आप फैमिली में भी आपके ये बिजनेस पहले करते थे? नहीं सर, नया चालू किया। तो ये सर बिजनेस स्टार्ट करने का कुछ खास वजह? नहीं सर, एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल वगैरह होते हैं, उसमें यही लोगों का बिजनेस है, इसके लिए मैंने ये किया। अच्छा, और आप कैटेगरी बता सकते हैं सर ऑडियंस को, कि आपकी कैटेगरी कौन सी है सर? होम एंड किचन आइटम सर। उसमें सर मोस्टली क्या, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं सर? जैसे मिक्सर हो गया, कुकर हो गया, गैस स्टोव हो गया, अच्छा, पैन हो गए, वर्मोरा जैसे कंटेनर हो गए प्लास्टिक के, वाटर जग, बोटल्स, स्टील्स के आइटम्स। जी, तो कुल मिला के एसक्यूज कितने होंगे सर अनुमानित? ऐसे तो मेरे ऐसे तो मेरे पास अभी एसक्यू होंगे तो 10 से 15 हजार, लेकिन सब नहीं बेच सकता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है, ब्रांडेड भी है, नॉन ब्रांडेड भी है। जी, तो 10 से 15 हजार सर आप अपने ऑफलाइन स्टोर पे रखे हैं, फिर आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आपने अपना इच्छा दिखाया और वहां पे आप जा भी रहे हैं, तो जब आपके पास 10,000-15,000 प्रोडक्ट्स हैं ऑफलाइन में, आप जैसे भी बोले कि ऑनलाइन में हम सब नहीं सेल करते हैं या सब नहीं सेल कर सकते, तो वो कैसे आप डिफाइन करते हैं कि ऑनलाइन में ये सेल करते हैं और 15,000 प्रोडक्ट्स में जो आपके पास हैं ऑलरेडी, आप उसी में से आप सेल करते होंगे ऑनलाइन भी, तो उसमें सर, जैसे कि कोई कंपनी बेचने का परमिशन देती है वो करता हूँ। अच्छा, और ऐसे भी कोई प्रोडक्ट्स होते हैं सर जिसमें कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कि कंपनी जेनरिक प्रोडक्ट है, उसमें ब्रांड नेम नहीं है, या चाइना से बन के आया है, या फिर इंडिया में ही बनता है लेकिन उसमें कोई ब्रांड नेम नहीं है?
नहीं ऐसा कोई नहीं सर, ब्रांड सब पे लिखा है, कोई बहुत बड़ी ब्रांड है तो कोई नॉर्मल ब्रांड है, बाकी सब पे ब्रांड है। तो अमेज़न पे जब आपने स्टार्ट किया, फिर फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट किया ये सब, तो पैकेजिंग तो आई थिंक कि जिस ब्रांडेड से आप ले रहे हो तो पैकेजिंग तो सब ब्रांड के आपके पास बन के आती होगी, है ना सर? प्रॉब्लम सर, मैंने एक्चुअली कुछ बॉक्सेस वगैरह बनाए थे। अच्छा, तो वो बॉक्सेस का आइडिया आपको कैसे लगा सर, कि ऐसे पैक होके जाने से प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा या सही ढंग से कस्टमर के पास पहुंचेगा, वो आइडिया कैसे लगा आपको? नहीं सर, पहले तो मैंने क्या किया, जैसे कि कोई ऑर्डर आता था तो पहले तो मैंने बैग वगैरह मंगाया अमेज़न के जी, और बबल वगैरह। हाँ। फिर ऐसे नॉर्मल जैसे कि एक रद्दी की दुकान होती है, वहां से मैंने कुछ अच्छे अच्छे बॉक्स होते हैं वो मैंने ऐसे लाए नॉर्मल, फिर उसमें मैंने किया पैकिंग वगैरह, लेकिन मजा नहीं आता, वही मतलब महंगा पड़ता था। अच्छा, और वापिस कटिंग करना, टेप लगाना, वो सब बहुत ज्यादा टाइम भी ज्यादा जाता था। तो फिर मैंने ऐसे नॉर्मल जैसे जो ज्यादा चलता है ना उसके मैंने बॉक्स बनाए तो ज्यादा, बाकी का तो उसमें ऐसा कुछ होते है जैसे कि उसको मैं उसमें सेट कर लेता हूँ। समझ गया सर। तो जैसे कि आप अलग अलग चार चार पोर्टल्स पे हैं, तो चार चार पोर्टल्स का एक्सपीरियंस है, स्पेशली रिटर्न्स का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होगा। तो जब आपके पास प्रोडक्ट रिटर्न्स आता है सर, तो क्या आपके पास प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट डैमेज मिल गया, दूसरा प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव दे दिया, या फिर प्रोडक्ट पूरा खोल के दे दिया, पैकेजिंग खोल के दे दिया, जो वापस आता है रीपैक हो गया, तो उस पर आपको बताएंगे सर किस किस तरह का रिटर्न्स आपके पास आता है? सर आता है, उसमें नुकसान भी बहुत होता है। अच्छा, क्लेम करता हूँ, क्लेम किया हुआ है सेफ्टी क्लेम, लेकिन नहीं अमेज़न वगैरह नहीं रिजेक्ट कर देती है। नहीं तो सर बताइए रिटर्न्स किस किस तरह के आ सकते हैं, कि प्रोडक्ट दूसरा भी आ जाता है सर, आपने कुकर भेजा हो सकता है, जूता आ गया, ऐसा भी होता है सर? होता है। अच्छा, और डैमेज भी आ जाता है कि मान लीजिए चाकू भेजे या फिर कुछ और भेजे, तो रिटर्न आया लेकिन नया प्रोडक्ट रख लिया उन्होंने जो भी रखा और पुराना प्रोडक्ट डाल के भेज दिया सर? हाँ सर। अच्छा, ऐसा भी होता। तो ये सारी चीजें फिर आप क्लेम लेते हैं, ये किस पोर्टल पे आपको ज्यादा लगता है कि ये इस पोर्टल पे ये थोड़ा सा ज्यादा होता है सेलर्स के साथ? अमेज़न पे ज्यादा है। अमेज़न पे ज्यादा है, ओके। सर जैसे कि अगला सवाल आपसे, कि आप जब ऑनलाइन सेलर बने, आपको आइडिया लगा कि ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, तो वेबसाइट का भी आइडिया आप लेके चल रहे हैं सर, कि वेबसाइट भी बनाते हैं, उससे भी ऑर्डर जनरेट करते हैं, ये थोड़ा सा माइंड में आया है सर वेबसाइट बनाने का? ना, सर आया, लेकिन उसमें सर मेन चीज है कि उसको पैक तो चलो वैसे सेम चीज, लेकिन उसको भेजने में दिक्कत आती है। अच्छा, बाहर जाना, कोरियर से वो करना है। तो जैसे कि बहुत सारे सेलर्स लोग करते हैं, आपके आसपास के वेंडर्स करते हैं सर ऐसा वेबसाइट से बिजनेस? हाँ करते। तो वो लोग कैसे भेजते होंगे सर? उनके पास भी ऐसे तो मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन नॉर्मल नहीं होता है, मैंने अभी देखा, क्योंकि वो कोरियर वाले टाइम पे आते नहीं है। अच्छा, तो ये इसलिए ज्यादा आपको इशू होते हैं। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उसमें क्या होता है, टर्म्स होती है, आना तो आना ही। करेक्ट करेक्ट, और नहीं आए तो फिर हम केस रेज कर सकते हैं, वो सब देख सकते हैं। नहीं अभी तक तो अमेज़न पे तो नहीं हुआ, फ्लिपकार्ट में होता है लेट से, अमेज़न में नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, सर जियोमार्ट एक नया पोर्टल आया है, आप जियोमार्ट पे भी आ गए हैं, जियोमार्ट पे आपको कुछ लगा कि ये अमेज़न फ्लिपकार्ट मीशो से अलग है या अच्छा है? जियोमार्ट पे सर आपका क्या फीडबैक है? इतना किया हुआ है, बाकी इतना सेल नहीं है। अच्छा, उतना सेल नहीं है, तो अभी हो सकता है नया नया हो सर, इसकी वजह से सेल का इशू आए। अब एक चीज है कि सर आपका कुछ दिन पहले बिग फैक्शन से सर आप कैसे जुड़े और हमने आपकी मदद कैसे किया सर? समझा नहीं सर। सर आप हमारी कंपनी से, बिग फैक्शन से आप कैसे जुड़े सर, और हम लोग ने आपको किस तरह से मदद किया सर ऑनलाइन बिजनेस पे, वो मैं पूछ रहा हूँ। वही सर, अमेज़न पे बेचने के लिए मुझे तो मालूम पड़ता नहीं, ऐसे में गूगल पे जाके देखा था। अच्छा, तो उन्होंने वहां से मुझे नंबर मिला। हाँ, तो मैंने कॉन्टेक्ट किया था। ओके, सर ऑडियंस को एक चीज ना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे सेलर्स का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, और न्यू सेलर्स होते हैं सर, वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उनको पता नहीं रहता है कि क्या गलत हुआ है क्या सही है, और जब तक उनको पता होता है पैसे इतने फंस जाते हैं कि उनको आगे का पेमेंट करना प्रोडक्ट्स के लिए सारी चीज बहुत मुश्किलात हो जाती है। सिर्फ पेमेंट नहीं करना होता सर, स्टाफ भी रखते हैं, कैसे खर्चा चलेगा?
तो आपका भी ऐसा अकाउंट रिसेंटली अमेजोन के अंदर कुछ पॉलिसी इश्यूज के कारण आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया था सर, आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि वो गलती क्या गलती वो ना करें जिससे उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं हो, जिनके लिए उनका भी एज अ न्यू सेलर हो तो बिजनेस सही से चले, भले धीरे धीरे चले बट सही से चले। तो आप उसके लिए देखो, उसके लिए मेन क्या है, कोई भी चीज बेचना है तो जैसे मेन मालिक होता है ना, जैसे कोई भी हो, उससे आप एक बार थोड़ा बातचीत करो कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उनका थोड़ा कुछ भी हो जाए, अपने को अभी ऐसा कुछ हो जाए तो वो अपनी हेल्प कर सके। बिल्कुल। और उनको नहीं बोलेंगे और अपन चोरी छुपके से करेंगे तो अपन फंस जाएंगे। तो अभी मैंने रिसेंटली मेरा ऐसा हुआ तो मैंने उसको बता के ही किया जी। तो अभी ऐसा प्रॉब्लम आया तो मुझे वो प्रॉब्लम से निकल दिया। करेक्ट करेक्ट। चाहे वो आइटम बेच नहीं सकता हूँ अभी, बाकी अकाउंट एक्टिव हो गया। बिल्कुल। एक चीज मैं यहाँ ऑडियंस को बताना चाहता हूँ सर की पॉइंट पे, मैं ही एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में सर कहना चाह रहे हैं, आप कोई भी ब्रांड, आप अपना ब्रांड तो आपको ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, बट आप कोई भी ब्रांड बेचना चाह रहे हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी पोर्टल पे, तो आप उस ब्रांड ओनर से एक रिटन में, लिखित में पहले आप सब कुछ ले लें उसके लेटर हेड पे, और फिर आप सामने वाले पोर्टल पर जिसे बेचना चाहते हैं उनको सबमिट करें और फिर वो प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना शुरू कर दें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बिना उसके ओनर के लिखित या कोई किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन से आपने लिस्ट कर दिया तो अमेजोन को पता चलेगा, अमेजोन अकाउंट सस्पेंड कर देगी, या कोई बायर कंप्लेंट कर दिया, उस बायर कंप्लेंट पे अमेजोन एक्शन लेगी और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे रीइंस्टेटमेंट के लिए। तो अगर राइट ओनर्स से आपने पहले बात नहीं करके रखी जो सर ने बताया, तो राइट ओनर्स भी आपकी वहां मदद नहीं कर पाएंगे। तो राइट ओनर्स जहां पे आपकी वहां पे मदद नहीं करेंगे, आपका अकाउंट सस्पेंडेड ही रहेगा। आपके जो भी माल आप बेचे हैं उसका जो पेमेंट है 90 दिन तक अमेजोन रखेगा। अगर आप FBA में प्रोडक्ट भेज दिए हैं तो FBA से प्रोडक्ट आप वापस नहीं ला सकते हैं जब तक अकाउंट रीसेट नहीं हो जाए, या मतलब एक्टिव ना हो जाए, तो आपका माल भी फंस गया, आप ऑफलाइन भी उसको नहीं बेच सकते हैं। तो ये सारी मुश्किल है। आप अपना स्टाफ को रखे हैं, स्टाफ को आपको पेमेंट करना होगा, आप एक दुकान रखे हैं, शोरूम रखे हैं, उस शोरूम का भी सारे एक्सपेंसेस कैसे जाएंगे। तो ये सारे ऑडियंस एक चीज को ध्यान रखें ताकि आप भी वो मिस्टेक, कोई भी न्यू सेलर मिस्टेक ना करे। आप वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं बिना रिटर्न अथॉरिटी के, बिना रिटर्न लेटर के, आप मत शुरू कीजिए। करेक्ट सर? सर अच्छे मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरा इनवॉइस से अप्रूवल मिला हुआ है, इनवॉइस से, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, रिटर्न में है तो सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, बिल में माल आता है, जैसे कोई भी कंपनी होगा उससे अमेजोन ने अप्रूवल दिया है। अभी जैसे मैं वरमुरा बेच रहा था, बरोबर, वो भी मुझे लेटर वेटर सब है तो भी मुझे ब्लॉक कर दिया जी। तो उसमें सर क्या होगा कि वरमुरा ने एक थर्ड पार्टी को सर वो काम दिया अपना ब्रांड बेचने के लिए, तो वरमुरा ने ही नहीं आपका सस्पेंड किया। हाँ, वो थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि वरमुरा से आपका भी कनेक्शन है, तो उसने एक्शन ले लिया। तो जब वरमुरा को पता चला तो उसने ये किया कि भाई मेरा, ये मेरा भी वेंडर है, ये मेरे से भी प्रोडक्ट लेते हैं, माल लेते हैं, तो ठीक है ये प्रोडक्ट वो नहीं बेचेंगे। तो और इसमें जैसे आप बोले कि एक और कंपनी है या एक और ब्रांड नेम है, तो उस ब्रांड नेम से यही पता कर लेना है या लिखित में ले लेना है कि हम ये बेच सकते नहीं। आपने किसी और को भी अथॉरिटी दी है कि नहीं? अगर आप किसी और को अथॉरिटी दिए हैं, कल को वो फिर से जाके, उसको पता तो नहीं है, वो हमें सस्पेंड करा सकता है या लिस्टिंग को ब्लॉक कर सकता है। तो रिटर्न में अगर ले लेंगे तो बिजनेस हमेशा लंबा चलेगा और किसी भी पोर्टल पर लंबा चलेगा, ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। लिखित में नहीं लेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कभी ब्रांड ओनर, कभी मतलब की जो ऑथराइज पार्टी, वो प्रॉब्लम करेंगे, नहीं तो को कस्टमर कोई कंप्लेन डाल दिया कि मेरे पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया, या फिर लगा डिफेक्टिव है, या लगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं आया कस्टमर के साइड से, तो प्रॉब्लम आ जाएगी सर। ठीक है, ये चीज। एक आखिरी सवाल सर आपसे, बहुत समय ले लिया आपका। ऑनलाइन इंडस्ट्री, आप ऑफलाइन सेटअप भी करके रखे हैं सर, अच्छा खासा सेटअप करके रखे हैं, ब्रांड से आप जुड़े हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आप मान लेते हैं सर, आप ऑनलाइन को कैसे देखते हैं कि आपका ये फ्यूचर और करियर ऑनलाइन कैसे रख सकता है? क्या आप ऑनलाइन में अपना फ्यूचर और करियर देखते हैं सर? देखता हूं। ओके, तो मतलब जैसे मैंने ऐसा नहीं है सर, जैसे कि मेरी शॉप तो चलती है, वैसे चलती है जी, बरोबर, ये साइड बिजनेस। बिल्कुल। कि आज थोड़ा है लेकिन ज्यादा नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल में शायद बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो फिर वो मेन बिजनेस भी बन सकता है क्योंकि दुनिया ऑनलाइन के प्रति ही जा रही है। ठीक है, सो धन्यवाद सर, आपने हमसे जुड़ा और इतना कुछ बातें किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और उम्मीद करता हूँ कि सर आपको भी हमारी सर्विसेज अच्छी लगी होगी, ये बातचीत करके आपको अच्छा लगा होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग जरूर आगे भी बात करेंगे जहाँ पे हम लोग सेल्स की बात करेंगे, कैसे ब्रांड को आगे लेके उसको सेल करना, ये सारे ब्रांड भी बात करेंगे, बट आज के लिए सर इतना ही। तो धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।